दोस्तों, बड़े बड़े कस्बों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक इस टाइम केवल एक ही इंसान चारों तरफ दिखाई दे रहा है और वह है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आपने इनके बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी, इनसे जुड़ी बहुत सी चीजें देखी होंगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे बागेश्वर बाबा कितने अमीर हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है और ये क्या क्या करते हैं? प्रवचन देने के अलावा भी इनके पास कोई काम है या फिर इनका जीवन केवल भक्ति को ही समर्पित है? तो आइए जानते हैं कि हमारे बागेश्वर बाबा की पर्सनल लाइफ कैसी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बहुत ही नामचीन धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम, जिसके बारे में आप सब भलीभांति जानते होंगे। और इस धाम के प्रमुख कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इन्हें मानने वाले लोग पूरे देश से बागेश्वर धाम आते हैं और इनकी कथाओं को सुनने के साथ साथ इनके चमत्कार भी देखते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र मात्र 26 साल ही है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। इनके दादा भी एक धार्मिक गुरु थे और धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह दिखते हैं, पहले ये वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अगर हम इनके बचपन पे नजर डालें तो बहुत ही गरीबी में गुजरा है। दादाजी भले ही धार्मिक गुरु थे और गांव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से अपने बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने दादा की संगति में धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भी उन मुश्किलों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बचपन से ही भक्ति और धार्मिक कार्यों में लगे रहे। जहां मात्र 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाजी भगवान यानी कि हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी। और आज ये हाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हनुमान जी को सबसे बड़ा भक्त कहते हैं और उन्हीं की कृपा से उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी बदौलत ये लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल भी बताते हैं। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री आज पूरे भारत में बहुत ही जाने माने कथावाचक हैं और बाबा के तौर पे जाने जाते हैं। भारत के कोने कोने से लोग सिर्फ इनके दर्शन के लिए आते हैं और जो इनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते वो दिन रात इनके प्रवचन सुनते हैं और इनके सुर में सुर मिलाते हैं। आज के समय में लोग बागेश्वर धाम सरकार की भक्ति में इतना डूब गए हैं कि इनके एक झलक मात्र देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इनके धाम पर हर दिन हजारों लोग आते हैं और हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि बागेश्वर धाम के आसपास की जितनी भी जमीनें छतरपुर में हैं, उनकी कीमत आज मुंबई दिल्ली जैसे शहरों से भी महंगी हो गई है, क्योंकि वो जमीनें बाबा के धाम के नजदीक हैं। और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोप भी लग रहे हैं और इस तरह के कई सारे विवाद आजकल सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि धाम में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि 1 से 1.5 लाख रुपए दुकानों का किराया पहुंच गया है। इन सब चीजों से बाबा बागेश्वर धाम सरकार को काफी ज्यादा फायदा होता है। तभी तो सूत्रों के मुताबिक बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है। हो सकता है कि इनकी संपत्ति और भी ज्यादा हो और उसकी सबसे बड़ी वजह इनके भक्तों की बढ़ती संख्या है। धीरेन्द्र शास्त्री का असली काम कथा वाचन करना है, जहाँ ये रामायण और महाभारत के किस्से सुनाकर अपने भक्तों को ईश्वर की भक्ति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अपने इसी कथा वाचन के लिए धीरेन्द्र शास्त्री देश के अलग अलग कोनों में, यहाँ तक कि विदेशों में जाकर कथा सुना चुके हैं और अपने शब्दों का जादू बिखेर चुके हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी एक बार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुन लेता है वो बार बार इनके धाम पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी बातों में झलकती भक्ति और ईश्वर के लिए प्यार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। पर अब जाहिर से बात है कि जब इतनी ऊंचाइयों को कोई छूता है तो उसे नीचा दिखाने वाले लोग भी सामने खड़े हो जाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री तो इस वक्त फिल्मी हीरो से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे आ जाते हैं तो कभी इनके वायरल वीडियोस देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिक्योरिटी की भी खास जरूरत है, जो हर वक्त इनके आसपास मौजूद रहते हैं। वैसे तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर वार नहीं करेगा, लेकिन अगर भूले भटके किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर वार कर दिया तो सिक्योरिटी इनकी हिफाजत के लिए हमेशा खड़ी रहती है। वैसे दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम का कार कलेक्शन भी बहुत शानदार है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास टोयोटा की बहुत ही शानदार और पॉपुलर SUV फॉर्च्यूनर है। बाबा एसी से चलना पसंद करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनके काफिले में कई सारी गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें टाटा सफारी और इनोवा जैसी बेहतरीन गाड़ियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, आज धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियां भी हर समय तैनात रहती हैं। अब अगर हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के घर की बात करें तो बचपन में उनका घर काफी छोटा था और कच्चा बना था। उसी कच्चे मकान में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। पर अभी भी इनका घर महलों की तरह नहीं है, इन्होंने काफी आलिशान घर बनवा लिया हो जिसने शाहरुख खान के मन्नत और मुकेश अंबानी के एंटेलिया को फील कर दिया हो, ऐसा नहीं है। अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री का घर देखने जाएंगे तो इन्होंने अपने गांव में ही एक साधारण सा 2 मंजिला मकान बनवाया है, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये उसी शख्स का घर है जिसके दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नाच गाना करते हो। लोग इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं और ये चाहें तो किसी के भी मन की बात समझ जाते हैं।
इस तरह के ताकतवर लोग अक्सर बड़े और आलीशान घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते हैं, लेकिन दिन के आधे से ज्यादा समय धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में कथा वाचन करने में बिता देते हैं, और महीने में कई बार तो इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में कथा वाचन करने के लिए जाना पड़ता है। यानी कि हमें और आपको इनका जीवन जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को भारत का नंबर वन कथावाचक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जितने ही ज्यादा फेमस हैं, ये उतने ज्यादा विवादों से भी घिरे रहते हैं। वैसे तो गैर हिंदू अक्सर इनके खिलाफ लोगों को गुमराह करने के मुकदमे दर्ज करवाते रहते हैं, और बागेश्वर धाम के आसपास की जमीन को कब्जा करने के भी आरोप धीरेन्द्र शास्त्री पे काफी लंबे समय से लग रहे हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने धाम के पास की सारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। कई सारी दुकानें किराए पे उठाई हैं, जिनका ये लाखों में किराया लेते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब दूसरे धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर पाखंड फैलाने का आरोप लगाते हैं। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को किसी का भी मन पढ़ना नहीं आता है। वो लोगों के बीच से अपने ही बैठे हुए लोगों को स्टेज पे बुलाते हैं, ताकि धीरेन्द्र शास्त्री कागज पे जो कुछ भी ख्वाहिशें लिख रहे हो, लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाएं, जिससे भक्तों को लगे कि अरे धीरेन्द्र शास्त्री तो वाकई में लोगों का मन पढ़ लेते हैं। अब इस तरह के आरोपों के बारे में हम क्या ही बोलें, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री कई बार मीडिया का पर्दाफाश कर चुके हैं, वो भी कई लोगों के सामने, क्योंकि वो भी सेम इसी तरह के विचार रखते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जितना विवादों में घिरे रहे, उतने ही पॉपुलर होते चले गए। कई सारे बड़े बड़े नेता और अभिनेता धीरेन्द्र शास्त्री के पास इनसे मिलने के लिए आते रहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता हो या बीजेपी के नेता। यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास बड़े और आला अधिकारी भी आते रहते हैं, और एक बार तो मनोज तिवारी खुद बाबा के दरबार में जाकर इनका प्रवचन सुन चुके हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री के पास जा चुके हैं। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर के एक धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो महाराष्ट्र की एक कमेटी ने अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप इनके ऊपर लगाया, और इन्हें चैलेंज किया कि अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं तो अपने चमत्कारों को हमें दिखाइए, अगर ये सही साबित हुए तो 30 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद महाराष्ट्र के उस कमेटी के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की, और कहा कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वो लोग आंदोलन करेंगे। वैसे दोस्तों, पुलिस वापस धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कार्रवाई इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जादू टोने के खिलाफ एक कानून बनाया गया था, जिसका नाम है एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उन्होंने नहीं कोई जादू टोना किया है, और नहीं अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है, और नहीं वो चैलेंज को छोड़कर वहां से भागे हैं, बल्कि वो तो पूरे एक हफ्ते तक वहां पर रुके थे, और उनके ऊपर लोग केवल पब्लिसिटी पाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो उन्हें पब्लिसिटी मिल भी रही है, तभी तो न्यूज चैनल वगैरह में आजकल सिर्फ और सिर्फ ऐसी चैलेंज की बातें हो रही हैं, क्योंकि न्यूज चैनल वालों को भी पता है कि आज के टाइम में बागेश्वर धाम सरकार एक ब्रांड है, वो नाम है, जिसको कहीं पे भी इस्तेमाल करके टीआरपी बटोरी जा सकते हैं, क्योंकि इनके भक्त तो इनसे जुड़ी खबरें देखते ही हैं, लेकिन जो लोग इनके खिलाफ हैं, वो भी इनकी बातें सुनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वैसे आप बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं या फिर आपको भी ये ढोंगी